हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं सूरज आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ ईविल डेड 2013 में रिलीज एक हॉरर मूवी के लिए। वैसे तो ईविल डेड के 3 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन वो पुराने हैं, ओल्ड वर्जन है। लेकिन जो 2013 में जो ईविल डेड रिलीज किया गया था, ये लेटेस्ट और काफ़ी हॉरर मूवी है। और हॉरर बिल्कुल इसे हॉरर कहा जा सकता है, क्योंकि इस मूवीज़ में जो क्लिप्स दिखाए गए, जो सीन दिखाए गए, काफ़ी डरावने वाले हैं। कुछ सीन तो ऐसे हैं कि अगर आप उसे देख लें तो आपको तो रात में नींद नहीं आएगा। वैसे दोस्तों, अगर आपने ये मूवी ना देखी हो तो पहले आप इस मूवी को देख लें, उसके बाद मेरे रिव्यू को जरूर देखें। तो यह मूवी कहानी बेस है एक बुक पे, एक ऐसी शैतानी बुक जिसका खोज कुछ लोग मिलकर करते हैं। कुछ आर्कोलॉजिस्ट हैं जो मिलकर इस बुक को खोजते हैं, और खोजने के बाद इस बुक में जो लिखे हुए प्राचीन वर्ड हैं उनका ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करते ही इस बुक से जो है, अगर कोई इस वर्ड को ट्रांसलेट करता है तो ट्रांसलेट करते ही दूसरी दुनिया, यानी कि कहें तो भूत पिशाच प्रेतों की जो दुनिया है, उनसे वे हमारे दुनिया में आ जाते हैं। तो कहानी जो है, वो कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। 5 दोस्त कहें, जिसमें से 2 भाई बहन भी हैं। ये सभी पिकनिक मनाने के लिए अपने पुराने फार्म हाउस पे जाते हैं, जो कि एक जंगल, बहुत ही घने जंगल के बीच में होती है। वहाँ जाने के बाद ये सभी लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं ताकि कुछ इन्जॉयमेंट वहाँ पे कर सकें। और इसमें जो एक दोनों भाई बहन हैं, इसमें से एक जो उनकी जो बहन है वो ड्रग्स एडिक्ट रहती है, तो उसके इलाज के लिए भी यूँ कहें तो उसे ड्रग्स से दूर रखने के लिए भी ये लोग वहाँ पर जाते हैं और कुछ दिन रहने का वहाँ पर प्लानिंग करते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके जो फ्रेंड है, उसे एक बुक मिल जाता है, वही बुक, वो शैतानी बुक, जिसको ट्रांसलेट कर जिसे पढ़कर दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में शैतान आ जाते हैं। वो गलती से उस बुक को ट्रांसलेट करता है, और जब तक उसे पता चलता है तब तक शैतान हमारी दुनिया में आ चुका होता है। और आने के बाद बहुत सारी घटनाएँ हमारे साथ घटती है। घटना घटने के साथ साथ एक की तो जान भी चली जाती है, और धीरे धीरे सभी लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। और इस मूवीज़ में जो क्लिप दिखाया गया, जो सीन दिखाया, वो काफ़ी डरावने वाले हैं। तो उसमें जो शैतान है बहुत ही ब्रूटली जो है लोगों की मतलब जान लेता है, और इसमें काफ़ी कटिंग सीन सब है। देखा जाए तो काफ़ी मतलब देखने में डरावना काफ़ी लगता है। तो अगर आप देखने के लिए सोचें इस मूवी को, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, तो इसे आप अकेले बैठ के देखें, बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी, भूल के भी ना देखें। क्योंकि अगर आपने इसमें से कुछ क्लिप्स को देख लिया था, वो तो रात को नींद आना नहीं आएगा, मतलब नींद नहीं आएगा। तो मेरा ओपिनियन है कि आप लोग इसे अकेले में बैठ कर देखें। तो इस मूवी का बस एक ही मोटिव है कि इससे शैतान, जो दूसरे दुनिया का जो शैतान है, वो हमारे दुनिया में आ जाता है इससे, इन लोग की गलती के कारण। और इन सभी के बीच में शैतानों को लेकर मतलब कुछ फाइट्स होते हैं, कुछ बहुत सारे मतलब ब्रूट लोग मरते हैं इसमें, काफ़ी सारी हत्याएं होती है, और बहुत ही ऐसे ऐसे सीन्स हैं जो मतलब जो शैतान है वो ऐसे ऐसे तरीके से मारता है कि उसे देख कर भी आपके होश उड़ जाएंगे। तो लास्ट में बस फिल्म के अंत में ही होता है कि जो शैतान होता है, जिसको इसका जो मेन बॉस होता है, वो यहाँ आ जाता है, अपने हमारे दुनिया में आ जाता है। क्योंकि इसमें एक होता है, इस बुक में होता है कि अगर 5 लोग की बलि दे दी जाए, तो 5 लोग की बलि देने के बाद शैतान जो है वो हमारी दुनिया में आ जाता है पूरी तरह से, और पूरी तरह से पावरफुल होता है। तो वो हमारे दुनिया में आ जाता है लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद किसी तरह जो एक है इसमें हमारी जो एक्ट्रेस है, वो उस शैतान से लड़ती है और उसको ख़ात्मा कर देती है, उसको मार देती है, जिसमें वो अपना एक हाथ भी गवा बैठती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यह फिल्म जो है काफ़ी हॉरर है, देखने लायक भी है, और काफ़ी मतलब इसने धूम मचाया भी है हॉरर के दुनिया में। लेकिन इसे जो पहले जो 3 पार्ट आ चुके हैं, जो 3 ईविल डेड के जो पार्ट हैं, वो इस मूवी से कनेक्शन रखते हैं, बट ये काफ़ी मतलब अलग है, अलग किस्म की फिल्म है। क्योंकि पुराने जो ईविल डेड थे, पार्ट 1, 2, 3, ये सभी कॉमेडी और हॉरर थे। तो मैंने उसे देखा, बट मुझे उसमें डर नहीं, बस सिर्फ हंसी आया था, सिर्फ हंसते हंसते मेरा मतलब मज़ा आ गया। लेकिन बट ये जो ईविल डेड 2013 है, यह मूवी वाकई बहुत हॉरर है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आपको इसे बस नेट पर आप सर्च कीजिए, वो ऑफकोर्स मिल जाएगा, और आप इसे देखिए। और अगर आपको सच में वाकई में अगर हॉरर देखना है कि आपको देख के कुछ डर लगे, तो वाकई में ये फिल्म आपके लिए बनी हुई है। तो दोस्तों, आप जरूर इस फिल्म को देखें अगर आपको कुछ डेयरिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना।
और अगर आपको किसी मूवी के बारे में रिव्यू चाहिए या फिर उस मूवी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं उस मूवी को आपको सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और लाइक तो वीडियो को जरूर करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।